Children, good morning. This is Anjum Sheikh, teacher working at Government Middle School, Dunda, Block Dharsima, District Raipur, Chhattisgarh. Bachcho, what do you mean by hopeful? Hope yane hota hai aasha aur hopeful yane aashavadi. To aap aashavadi hai ki nahi hai? Aashavadi ya hopeful se aapka kya matlab hai? मतलब उम्मीदों से भरा हुआ. हमें हमेशा होपफुल होना चाहिए और हर कार्य को हमें आशा के साथ करना चाहिए ताकि हमें उसमें सक्सेस मिले, सफलता मिले. बच्चों, हाउ कैन वी स्टे कूल इन डिफ़िकल्ट टाइम्स? डिस्कस. डिफ़िकल्ट टाइम्स मतलब जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो हम उस समय कूल कैसे रह सकते हैं, नॉर्मल कैसे रहते हैं? विपरीत परिस्थितियों में हम अपने आप को सामान्य कैसे रख सकते हैं? क्या आपने इसके बारे में कभी डिस्कस किया है? तो करिए आप. सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोयम फ्रॉम टुमारो ऑन. आज हम एक पोयम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम टुमारो ऑन. पहले हम पोयम एक बार रिसाइट करेंगे. After that, we will understand it. Okay, children? Let's start. From tomorrow on, I shall be sad. From tomorrow on, not today. Today, I shall be glad. And every day, no matter how bitter it may be, I shall say, from tomorrow on, I shall be sad, not today. तो बच्चों, ये पोयम है जिसको अब हम समझेंगे. इस पोयम की जो पोएट है एन फ्रैंक, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस पोयम हम इनके बारे में थोड़ा जान लें. दिस पोयम वॉज रिटन बाय अ चाइल्ड नेम्ड एन फ्रैंक. एन फ्रैंक एक बच्ची थी, उन्होंने इस पोयम को लिखा है. इट वॉज ओरिजिनली written in Yiddish language and later on was translated by Joseph Leftwich. इसे इसके वास्तविक रूप को यिद्दिश लैंग्वेज में लिखा गया था और बाद में इसे जोसेफ लेफ्टविच के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था. एंड बिलीव्ड दैट पीपल आर रियली गुड एट हार्ट. एंड फ्रैंक जो बच्ची थी वो यकीन करती थी इस बात पर कि लोग वास्तव में अच्छे होते हैं. एन फ्रैंक वॉज अ बोल्ड गर्ल. एन फ्रैंक बहुत बोल्ड लड़की थी. शी वॉज जस्ट इन हर टीन्स वेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. वो अपनी टीन एज में थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था. ड्यूरिंग द वॉर हिटलर ऑर्डर्ड किलिंग ऑफ ज्यूज इन लार्ज नंबर्स बाई सेंडिंग देम इन टू गैस चैम्बर्स. युद्ध के दौरान हिटलर ने आदेश दिया था ज्यू यहूदी उन सभी लोगों को एक बड़ी संख्या में एक गैस चैम्बर के अंदर भेजकर मार दिया जाए. बीइंग अ ज्यू एन्स फैमिली वेंट इनटू अ हाइडिंग. क्योंकि एन्स की फैमिली भी ज्यू थी इसलिए वे लोग एक स्थान पर जाकर छिप गए. दे फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज. उन्होंने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया. दे हैड टू रिमेन इनसाइड द हाउस. वे उन्हें अपने घर के अंदर ही कई दिनों तक रहना पड़ा. स्टिल शी वॉज होपफुल. इसके बावजूद वो बहुत होपफुल थी, आशावादी थी. वो कभी भी निराश नहीं हुई. इवन इन दैट हॉरिबल एटमोसफियर शी कैप्ट अप द स्पिरिट टू लीव एवरी मोमेंट हैप्पीली. उस कठिन या भयानक परिस्थिति में भी एन फ्रैंक जो थी उन्होंने उस समय भी, हर परेशानी के समय भी उन्होंने एक खुश होकर अपनी लाइफ को जिया था. फॉरगेटिंग ऑल द सोरो एन रोट हर डायरी. और सभी प्रकार के दुखों को भूलकर एन ने एक डायरी लिखी थी.
वन डे सम वन इन्फॉर्म द आर्मी, एक दिन किसी ने आर्मी को सूचना दी। द होल फैमिली एक्सेप्ट हर फादर वॉज कॉट एंड किल्ड, और इस प्रकार उसकी पूरी फैमिली उसके पिता के अलावा मारी गई, वे उन लोगों को मार दिया गया। लेटर बाद में हर फादर फाउंड हर डायरी एंड पब्लिश्ड इट इन 1947। बाद में जब उनके पिताजी को एन की डायरी मिली तो उन्होंने 1947 में उसे पब्लिश कराया। पीपुल लाइक रीडिंग इट बिकॉज एन हैज़ डिस्क्राइब्ड हर एक्सपीरियंसेस क्लियरली एंड इन अ गुड ह्यूमर मैनर। लोग एन की डायरी को पढ़ना पसंद करने लगे थे क्योंकि एन ने अपनी डायरी में जो भी उस समय की परिस्थिति थी उन परिस्थितियों को एक गुड ह्यूमर्ड मैनर में बहुत अच्छी तरह से मानवीय ढंग से लिखा था। दिस डायरी बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई डायरी पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गई, प्रसिद्ध हो गई। शी वॉन्टेड टू बिकम अ फिल्म स्टार। एन एक फिल्म स्टार बनना चाहती थी पर बच्चों शी कुड नॉट, बट हर डायरी हैज़ मेड हर अ स्टार इंडीड। अब एन फ्रैंक नहीं है लेकिन उनकी डायरी ने उन्हें एक स्टार बना दिया है, और इस प्रकार एन फ्रैंक आज भी हमारे बीच अपने शब्दों के द्वारा जीवित है। तो बच्चों उस समय की कंडीशन को अपनी डायरी में अपने शब्दों में इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया था। तो अब हम पोयम जो है वो समझेंगे। फ्रॉम टुमारो ऑन आई शैल बी सैड। फ्रॉम टुमारो ऑन, सैड मीन्स होता है बच्चों दुखी या उदास। आप देख सकते हैं, लुक एट द पिक्चर, ये एन फ्रैंक की पिक्चर है। फ्रॉम टुमारो ऑन आई शैल बी सैड, मैं कल दुखी या उदास होंगी। फ्रॉम टुमारो ऑन, कल होंगी दुखी या उदास। नॉट टुडे, टुडे आई शैल बी ग्लैड। एंड एवरी डे नो मैटर हाउ बिटर इट मे बी आई शैल से। बच्चों ग्लैड मीन्स होता है खुश, और बिटर, वैसे तो बिटर का मीनिंग है कड़वा, मगर यहाँ पर बिटर का मीनिंग है पीड़ादायक। नॉट टुडे, आज नहीं। टुडे आई शैल बी ग्लैड, आज मैं बहुत खुश होंगी। एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन, नो मैटर हाउ बिटर इट मे बी, प्रत्येक दिन मैं खुश होंगी। आज तो मैं खुश होंगी ही, प्रत्येक दिन मैं खुश होंगी। और ये बात मायने नहीं रखती कि मुझे कितनी पीड़ा मिल रही है या दिन मेरे लिए कितना कड़वा है। आई शैल से टुडे आई शैल बी ग्लैड, मतलब उनका कहना है कि मैं आज कभी भी दुखी या उदास नहीं होंगी, भले ही परिस्थितियां विपरीत हों और मुझे बहुत पीड़ादायक अनुभव हो, पर फिर भी मैं आज दुखी नहीं होंगी, मैं कल दुखी होंगी। फ्रॉम टुमारो ऑन आई शैल बी सैड नॉट टुडे, मैं कल दुखी होंगी आज नहीं। और यहाँ पर एन फ्रैंक का कहने का मतलब है बच्चों कि टुमारो मीन्स नेवर, मतलब आने वाला कल कभी नहीं आता है ऐसा हम बोलते हैं। तो वो कह रही है कि मैं कल उदास होंगी या कल दुखी होंगी, और कल तो कभी आता नहीं है, इसका मतलब मैं कभी भी दुखी या उदास नहीं होंगी, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज का मुझे सामना करना पड़े और कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आए, मैं खुश रहूँगी। और मैं आज खुश रहूँगी, मैं कल से भले दुखी रहूँगी, और कल एन फ्रैंक के अनुसार कभी नहीं आता, इसका मतलब वो कभी भी दुखी नहीं होगी। बच्चों ये देखिए एन फ्रैंक के द्वारा लिखी हुई डायरी, यहाँ पर लुक एट द पिक्चर। तो आई थिंक अब आपको पोयम अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। चिल्ड्रन बाय दिस स्टोरी वी शुड लर्न दैट वी नेवर गिव अप एंड
वी शुड ऑलवेज होपफुल। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें विपरीत परिस्थितियों में, कठिनाइयों में भी, मुसीबतों में भी हमें आशा रखनी चाहिए, हमें होपफुल होना चाहिए, जैसे कि एन फ्रैंक थी। सो आई थिंक आपको पोयम समझ में आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन विल द चाइल्ड बिकम सैड? बच्ची कब उदास होगी? आपने पढ़ा है पोयम में टुमारो, हियर इट मीन्स नेवर। एन फ्रैंक पोयम में कहती है कि वो टुमारो यानी कि कल उदास होगी, और टुमारो मीन्स नेवर, मतलब वो कभी भी उदास नहीं होगी, कभी भी दुखी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डज शी वांट टू बी टुडे? वो आज कैसे रहना चाहती है? शी वॉन्ट्स टू बी ग्लैड टूडे। वो खुश रहना चाहती है आज। वो कहती भी है कि मैं आज दुखी नहीं होंगी, मैं आज खुश रहूंगी। क्वेश्चन नंबर थ्री, फ्रॉम टुमारो ऑन आई शैल बी सैड। वॉट डज द चाइल्ड मीन व्हेन शी सेज सो? जब बच्ची कहती है कि फ्रॉम टुमारो ऑन आई शैल बी सैड, मैं कल दुखी होंगी, मैं कल उदास होंगी, आज नहीं, तो इस लाइन से बच्ची का क्या आशा है? तो बच्चों, हमने पोयम में पढ़ा है, व्हेन शी सेज सो द चाइल्ड मीन्स दैट शी विल बी हैप्पी विथ वॉट एवर कम्स टूडे, शी वॉन्ट्स टू एंजॉय द प्रेजेंट। इस लाइन से यह आशा है बच्चों कि वह खुश रहना चाहती है, वो खुश रहेगी, और आज जो भी उसे प्राप्त हो रहा है वो उसमें खुश रहेगी, और अपने प्रेजेंट को, अपने वर्तमान को वो एंजॉय करना चाहती है, आज दुखी नहीं होना चाहती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर आर सम वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। बच्चों, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे आपको सेंटेंस जो है बनाना है, और उनमें से फर्स्ट जो है वो हमने आपके लिए बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वर्ड इज हैप्पी। तो लुक एट, व्हेन आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास आई फेल्ट वेरी हैप्पी। जब मैं क्लास में फर्स्ट आया तो मैं बहुत खुश हुआ। सेकेंड वन, एंग्री, माई फादर गॉट वेरी एंग्री व्हेन आई लॉस्ट माई बाइसिकल। मेरे पिताजी बहुत क्रोधित हुए जब मैंने अपनी साइकिल खो दी। सो चिल्ड्रन, थर्ड वन इज सैड, तो ये आप बनाएंगे, ओके। फोर्थ इज फ्राइटेंड, चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ डार्कनेस, बच्चे अंधेरे से डरते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सरप्राइज्ड, तो बच्चों ये आप घर पर बनाएंगे। नाउ यहाँ मेंशन दिया है, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स और एक्टिविटीज विच मेक यू हैप्पी। आप उन वस्तुओं की या कामों की लिस्ट बनाएंगे जिन्हें करने से आप खुश होते हैं। सो चिल्ड्रन, आप इसका आंसर लिखेंगे और घर में बड़ों को दिखाएंगे।